हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड को, कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है, कहाँ से आया है, किसने शुरू किया है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर्स में अक्सर हिस्ट्री पूछ ली जाती है कि जी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएं। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो आप अच्छे से समझ सकेंगे कि एब्सर्डिज़म है क्या, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले एब्सर्ड का मतलब क्या है, एब्सर्डिज़म का मीनिंगलेसनेस, ठीक है, पॉइंटलेसनेस, खालीपन, जिस चीज़ का मतलब ना कोई सर हो ना पैर हो। ठीक है, ये काइंड ऑफ आयरनी हो सकता है इसका। अगर हम लोग लिटरेचर देखें ना थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि ये काइंड ऑफ आयरनी हो सकता है, स्टाइल हो सकता है या डार्क कॉमेडी हो सकते हैं, मतलब ट्रेजिक इवेंट्स को बयान करेंगे कॉमिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग देखें कि अब एक इंसान है, ठीक है, उसका क्या पर्पज़ है इस दुनिया के अंदर। अब वो अगर एक बंदे के दिमाग में क्वेश्चन आ जाए तो जब तक उसको उसका आंसर नहीं मिलता तो वो उसके बारे में सर्चिंग करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ठीक है, वो मीनिंग्स तलाश करता रहता है। सही है कि अब अगर हम देखें इस एक छोटी सी एग्जांपल से समझें कि हर इंसान के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, हम कहाँ से आए, पैदा कैसे हुए वगैरह वगैरह, हम यहाँ क्यों हैं, इससे आगे क्या लाइफ है या नहीं है। अब जैसे साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, ऑल टाइम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं। दुनिया में मतलब कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं कि आज भी हम लोगों को पता ही नहीं है और आज भी साइंटिस्ट बता रहे हैं, न्यू वो कर रहे हैं एक्सप्लोर चीज़ें कि जी अभी ये एक्सप्लोर हुई है न्यू चीज़, अभी ये चीज़ आई है, ये चीज़ आई है वगैरह वगैरह। सही है, तो इसी से हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, सेम केस इसके लिए क्या होगा, एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर। ठीक है, अब ये एक टर्म है एग्जिस्टेंशलिज्म, इस सेम बिल्कुल यही इसी एग्जांपल के ऊपर ये सूट कर रही है एग्जिस्टेंशियलिज्म। जिस तरह ये एग्जांपल है ना कि एक इंसान है, उसके दिमाग में क्वेश्चंस आ गए हैं, अब वो तलाश कर रहा है उसके आंसर्स, सेम इसी तरह एग्जिस्टेंशियलिज्म एक टर्म है जो इसके एब्सर्डिज्म के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। और उसका मतलब क्या है कि जो होते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट वो किसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मैन के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, और वो क्वेश्चंस करते हैं कि गॉड है भी कि नहीं। वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं और उन लोगों का क्या मानना होता है कि जी मीनिंगलेसनेस, मीनिंगलेस सी एक लाइफ है इंसान की और उसने जी एक ना एक दिन मर जाना है। अब जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट होते हैं ना वो क्वेश्चंस करते हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, और उनके आंसर्स तलाश करते हैं। ठीक है, आप खुद से एग्जांपल लें, एक क्वेश्चन आए माइंड में, क्या आप उसका आंसर नहीं ढूंढेंगे? अगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो क्या आप उसका आंसर नहीं ढूंढेंगे कि दुनिया में अलग अलग मज़हब हैं, हर एक के अपने अपने बिलीव्स हैं। अब जो वेल एजुकेटेड इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, लॉजिक्स पर बिलीव करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस करते हैं फिर उनके आंसर्स ढूंढते हैं। और सेम इसी तरह हम लोगों का भी सब्जेक्ट है क्या, एब्सर्डिज़म के। अब हम लोगों का जो टॉपिक है एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी क्या है, इसके अंदर एंजाइटी आ जाएगी, पैशन आ जाएगा, डेथ आ जाएगी, इंडिविजुअलिटी आ जाएगी, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होती है इसके अंदर। ठीक है, इसमें जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे आपको उसमें भी देखेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, पर्पस क्या है इस राइटिंग का। इस वीडियो में जब मैंने टॉपिक्स ऐड किए हैं ना उसमें कुछ राइटर्स भी मैंने ऐड किए हैं जो आप देखेंगे कि एब्सर्ड राइटर हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत डार्क ह्यूमर यूज़ किया एक तो, और उन्होंने लाइफ के ऊपर बात की कि कितनी मीनिंगलेसनेस है इस लाइफ के अंदर। ठीक है, उन्होंने इंसानों को बताया है कि वो कैसे पर्पस, मतलब कोई एम नहीं है उनकी लाइफ का। ठीक है, अच्छा ये था थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में, एब्सर्डिज्म होता क्या है। कि अब इसके अंदर आपको एक तो ये भी मिलेगा, इसकी लैंग्वेज जो होगी उसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, इसका प्लॉट का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, फजूल बातें लग रही होंगी आपको, कैरेक्टर फजूल हरकतें कर रहे होंगे इसके अंदर, यानी कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जी ट्रेजिक होगी एक बात और उसको कॉमिक फॉर्म के अंदर ये लोग बताएंगे, और रियलिटीज़ बताएंगे, बिटर ट्रुथ बताएंगे ये लोग कि क्या हो रहा है आजकल के इंसान के बारे में बताएंगे कि आजकल की लाइफ में हो क्या रहा है आज। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि ऑडियंस ना उससे शॉक हो जाएंगी, उनको हैरान कर देंगी, ऐसी सिचुएशंस बताएंगे इंसान के बारे में, फिर इंसान सोचने मजबूर हो जाएगा
कि ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे ह्यूमंस को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। और इन सारी बातों को वो कैसे बताएंगे राइटर्स एब्जर्ड मतलब कॉमिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब देखें एब्जर्ड का मतलब क्या है, फुलिशनेसनेस सेंसलेस, ठीक है। अपोज टू रीज़न बात करते हैं कि ऐसे भी कैसे हो सकता है। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है, एक ऐसी सिचुएशन होता है बताता है कि ह्यूमन जो है वो एक मीनिंगलेस सी लाइफ गुजार रहा है, ठीक है। और अब क्या कहा जाता है कि जी एब्जर्डिस्ट जो है ना दुनिया में, कि जी इंसान की ज़िंदगी बेमकसद है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है और एक ना एक दिन इंसान ने मर जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले बताया। अब इसकी हिस्ट्री शुरू करें अगर तो पता चलता है कि जी वर्ल्ड वार हुई थी ना, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू, उसके बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ है, सही है। क्वेश्चंस करने शुरू किए लोगों ने, प्रॉब्लम्स को फेस किया कैसे लोगों ने, और उसी के ऊपर ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया था कि जी गॉड है भी कि नहीं, जितनी तबाही हुई है और जो कुछ भी हुआ है उसके बाद, फिर ये मतलब उन लोगों के दिमागों में आया कि जी अब गॉड होता तो ऐसा सब कुछ ना होता। अब क्या फाइनेंशियली उन लोगों को काफ़ी वो लोग वो हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग ख़राब हो गए, कुछ नहीं उनको पता, मेंटली वो बहुत ज़्यादा वो उनको हुआ कि जी कुछ नहीं बचा हमारे पास। अच्छा अब क्या हुआ जी, वो अब जो भी वो लिखता है ना राइटर इसके बारे में एब्सर्ड के अंदर, थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर, वो उस टाइम पीरियड को बता रहा होता है कि उस वक्त बंदा कैसा था, उसने क्या क्या खोया, और उस वक्त के बंदे के बारे में बता रहे थे। एलियनेशन का शिकार होता है वो, आइसोलेशन का शिकार होता है। अब जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इसमें लिटरेचर जो प्रोड्यूस हो रहा है ना वो सब उस टाइम का इफ़ेक्ट, ठीक है। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये क्या है, क्वेश्चन करते हैं किस पर, एग्जिस्टेंस ऑफ मैन के ऊपर, ठीक है। वो क्या बिलीव करते हैं कि जी ये दुनिया जो है ये गॉड के बगैर है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि उनका ना कोई पर्पस है ना कोई उनका एम है, वैसे बस ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। अब हम अपनी ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं की पॉइंट्स को कि हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाएगा कि एब्सर्ड ड्रामा होता क्या है, उसके बाद डेफिनेशन और मीनिंग आ जाएगा, उसके बाद इसका ओरिजिन आ जाएगा कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो था इसका ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल एब्सर्ड ड्रामा आ जाएगा कि ये क्या होता है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, मीनिंगलेस ऑफ लाइफ आएगा कि जी थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है कि जी मीनिंगलेस है, हर चीज़ मीनिंगलेस है, तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे जी है क्या ये मीनिंगलेस ऑफ लाइफ। अच्छा उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाएगा, उसके बाद मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आ जाएगा, और उसके बाद जो नॉवलिस्ट हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के उसके अंदर जो राइटर्स हैं जिन्होंने लिटरेचर प्रोड्यूस किया उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद थीम्स देखेंगे एब्सर्ड ड्रामा की थीम्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी के एब्सर्ड ड्रामा, व्हाट इज़ एन एब्सर्ड वर्ड, कि एब्सर्ड वर्ड जो है ये होता क्या है। अच्छा इन फिलॉसफी द एब्सर्ड रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन टेंडेंसी टू सीक इनहेरेंट वैल्यू एंड मीनिंग इन लाइफ एंड द ह्यूमन इनएबिलिटी टू फाइंड दीज विद एनी सर्टेनिटी, यानी कि इसके अंदर ये, अब मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर बताया था कि अब बच्चे जो होते हैं उनको समझ तो आ जाती है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब वो पेपर करते हैं ना उनके पास वर्डिंग नहीं होती कि हम लोग लिखेंगे क्या, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन उनके पास वर्डिंग नहीं मिलती। तो ये मैंने ना वर्डिंग आप लोगों के लिए लिखी है ताकि आप लोग अपनी बात जो है वो डिफरेंट तरीके से एक ही बात को बता सकें। अब इसके अंदर क्या वो बता रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि जी क्वेश्चंस जो होते हैं उनके दिमागों में क्वेश्चंस आते हैं और वो उनके आंसर तलाश करते हैं, यानी कि लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, सही है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ एब्सर्ड, रिडिकुलस, क्या इसका मतलब मीनिंग ऑफ एब्सर्ड, यानी कि एब्सर्ड का मीनिंग क्या है, रिडिकुलसली अनरीजनेबल अनसाउंड इनकंग्रस एंड एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट्स एक्सट्रीमली सिली और रिडिकुलस एब्सर्ड ह्यूमर हैविंग नो रैशनल और ऑर्डरली रिलेशनशिप टू ह्यूमन लाइफ मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड यूनिवर्स आल्सो लेकिंग ऑर्डर ऑन और वैल्यू एंड एब्सर्ड एग्जिस्टेंस। अच्छा ये सारे जो है ना मैंने सारे मीनिंग्स लिखे हैं, ठीक है, कि डिफरेंट फॉर्म में आप एब्सर्ड को बताएंगे कैसे,
कि इसका मीनिंग क्या है। सही है, अच्छा आगे मूव करते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ मेंट बाय एब्सर्ड ड्रामा, कि एब्सर्ड ड्रामा क्या है। अ टाइप ऑफ ड्रामा डैट ट्राइज टू पोर्ट्रे द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ यूजिंग इलॉजिकल मीनिंगलेस एंड डेलिबरेटली कन्फ्यूजिंग एक्शन एंड डायलॉग्स। सही है, एब्सर्ड रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन टेंडेंसी टू सीक इनहेरेंट मीनिंग इन लाइफ। देखें ये वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि वही क्वेश्चन एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करना मीनिंगलेसनेस लाइफ की। एंड द साइलेंट आंसर ऑफ द यूनिवर्स इन विच अ हार्श ट्रूथ अराइजेज, यानी कि जो बिटर रियलिटी है ना आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड की, उसको वो लोग बता रहे होते हैं उसके अंदर लिटरेचर के अंदर। ये होता है एब्सर्ड ड्रामा। ये देखें कि द साइलेंट आंसर ऑफ द यूनिवर्स इन विच अ हार्श ट्रूथ अराइज डैट इज देयर इज नो इनहेरेंट मीनिंग इन लाइफ। सही है, क्या आप बता रहे हैं कि कोई लाइफ का मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है, और एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस इज एब्सर्ड बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग व्यूज बिटवीन ह्यूमन एंड द यूनिवर्स। अब यहाँ पे यूनिवर्स किसको कह रहे हैं, गॉड को कह रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं एब्सर्डिस्ट और यही होते हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट जो गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल। अच्छा अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। द प्ले राइट्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द एरा आर, अब ये जो उस एरा के अंदर जो थे ना राइटर्स एब्सर्डिस्ट, ये उनके नाम मैंने लिखे हैं, सैमुअल बेकेट, यूजीन यूनेस्को, जॉन जेनेट एंड आर्लर्ट पिंटर। सम ऑफ द वेल नोन थिएटर ऑफ एब्सर्ड प्लेज आर, अब इनके राइटर्स जो थे ना, इनके अब आगे प्लेज जो हैं जो आप पढ़ेंगे और उनको आप पढ़ के आप लोग सेम जो मैंने बताई ना करेक्टरिस्टिक्स में बता रही हूँ एब्सर्डिज्म की, एग्जिस्टेंशलिस्ट की और मीनिंगलेसनेस, ये सब कुछ आपको उसके अंदर मिलेगा इस लिटरेचर के अंदर। अब बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो है और नो एग्जिट है, आप इनको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इनके जो इन लोगों ने प्लॉट सेट किया हुआ है, जो सेटिंग है उसकी, जो लैंग्वेज है उसके अंदर, जो इन लोगों ने ब्रेक्स लिए हुए हैं उसके अंदर, उससे आपको पता चलेगा जी ये एब्सर्ड है। सही है, नेक्स्ट क्या है, जॉन का बैल्कनी, उसके बाद पिंटर्स का होम कमिंग। ठीक है, ये सारे वही हैं एब्सर्डिस्ट और इनका लिटरेचर भी ऐसा ही है। अच्छा अब थ्योरी ऑफ एब्सर्ड ड्रामा क्या थी, कि जो केमिस्ट है ना डिफाइन द एब्सर्ड एज अ फ्यूटिलिटी ऑफ अ सर्च फॉर मीनिंग इन एन इनकम्प्रिहेंसिबल यूनिवर्स डिवाइड ऑफ गॉड और मीनिंग, जो मैंने आपको बताया। एब्सर्डिज्म अराइज आउट ऑफ द टेंशन बिटवीन आवर डिज़ायर्स फॉर ऑर्डर मीनिंग एंड हैप्पीनेस एंड ऑन द अदर हैंड द इनडिफरेंट नेचुरल यूनिवर्स रिफ्यूजल टू प्रोवाइड दैट। अब क्या जी नेचुरल यूनिवर्स जो है वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि जी हम लोगों ने आपको ये चीज़, मतलब वही एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बातें करना और मीनिंगलेसनेस और एमलेसनेस उसी के ऊपर बातें कर रहे हैं ये लोग। एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से कैसे बयान करना है ये आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक ही बात होती है क्वेश्चन के अंदर, पेपर घुमा के करते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं स्टूडेंट को और ऐसे ही होता है फिर। तो ये अब आप एक ही बात पे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताई है ना, उसी बात को लेकर आगे डिफरेंट एंगल से डिस्कशन हुई हुई है। ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन का आंसर सही से दे सकें। अब एब्सर्ड मूवमेंट क्या थी, पोस्ट मॉडर्न आर्ट इज़ प्रमिटेड बाय एब्सर्डिज्म, द पोस्ट वर्ल्ड वार टू एब्सर्डिस्ट मूवमेंट ऑन द आइडिया डैट लाइफ इज़ इरेशनल इलॉजिकल। अच्छा अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जो सीन हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद जो एब्सर्डिस्ट राइटर आए हैं और उनके उस दौर के अंदर जो एब्सर्डिज़म हुआ, उस सारे का ये सरकमस्टांसेस जो थे ना उसके, ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो क्या जी इलॉजिकल है, विदाउट रीज़न है और लाइफ ऐसी है और हर एक बंदे ने एक ना एक दिन मर जाना है और कोई एम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, मतलब क्या पेसिमिस्टिक व्यू, एब्सर्ड,
एब्सर्ड का मतलब जान लें आप लोग, फुलिशनेसनेस, सेंसलेसनेस, पॉइंटलेसनेस, हॉलोनेस, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी और इसके लिटरेचर में मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे आगे हम लोगों के पास, कि वाई इज़ वेटिंग फॉर गॉड रिलेटेड टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, कि जिस सैमुअल बेकेट जो था वेटिंग फॉर गॉड जिसने लिखा था वो किससे बिलोंग करता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से। और ये क्या था कि अनकन्वेंशनल इज़ नॉट डिपिक्टिंग एनी ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्ले, प्रैक्टिकली नथिंग हैपन्स, नो डिवेलपमेंट इज़ टू बी फाउंड, देयर इज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड। यानी कि अब नो का जो एब्सर्ड लिटरेचर होता है उसकी ना कोई बिगनिंग होती है ना कोई एंड होता है। और हम लोगों को ये अब क्वेश्चन आया था कि वेटिंग फॉर गॉडो जो है ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड क्यों है, ये एब्सर्ड क्यों है, हम लोगों ने बताना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ये प्ले है तो ये अब एब्सर्ड क्यों है। अब हम लोगों ने क्या देखना है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या ये प्ले उतर रहा है पूरा। ये आगे मैंने डिस्कस की हुई है करेक्टरिस्टिक्स के, उनकी कोई ना प्लॉट होता है और ना कोई उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, कोई उनकी बिगनिंग नहीं होती, कोई एंड नहीं होता, कोई मॉरल लेसन नहीं होता। तो इसकी वजह से हम लोग इन सारी बातों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो वेटिंग फॉर गॉडो है ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ एब्सर्ड ड्रामा, कि एब्सर्ड ड्रामा किसने स्टार्ट किया और कौन था ये इसका फादर। सैमुअल बेकेट द बिग वन, एज द फादर ऑफ द एब्सर्डिस्ट थिएटर थिएटर नो एग्जामिनेशन ऑफ द फॉर्म कैन टेक प्लेस विदाउट लुकिंग टू सैमुअल बेकेट, द आयरिश प्ले राइट नोन फॉर एंड गेम एंड हिज मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल प्ले वेटिंग फॉर गॉडो। अब ये जी दो इसके फेमस नावल थे, प्लेस थे जो इसने लिखे और जिसकी वजह से ये फेमस हुआ और इसको फादर कहा जाता है एब्सर्ड ड्रामा का। ये MCQs वाइज आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड किया है। और एज ए राइटिंग अगर आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसके इसको भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं कि उनके अंदर आपको राइटिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है, सेंटेंस आपके पास कम पड़ जाते हैं तो रेलिवेंट हम लोगों को मटेरियल चाहिए होता है, तो ये उसके लिए मैंने आपको उनके लिए मटेरियल इकट्ठा करके फिर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, पर्पज़ क्या था थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड अटैक्स द कम्फर्टेबल सर्टेनिटीज ऑफ रिलीजियस। अब सबसे बड़ा अटैक किसके ऊपर हो रहा है, मज़हब के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग। अब क्या कह रहे हैं, इट एम्स टू शॉक इट्स ऑडियंस आउट ऑफ कम्प्लेसेंसी टू ब्रिंक इट फेस टू फेस विद द हार्श फैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सिचुएशंस एज देयर राइटर्स सी इट। यानी कि जो उस दौर के अंदर राइटर्स थे उन्होंने जो देखा वो लिखा, और उन्होंने कैसे उसको, अब एक बंदा जो होता है वो अगर आवाज़ उठाएगा तो वो कितनी देर आवाज़ उठा सकता है, उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो उसने बंदे ने अपने पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके थ्रू उसने अपना पैगाम पहुंचाना है। अब उसने अगर वो पैगाम पहुंचाएगा तब भी वो सोसाइटी के अंदर नहीं रह सकता, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया कि हार्श रियलिटीज़ को, हार्श ट्रूथ को फेस टू फेस कैसे बयान करना है, कैसे उन फैक्ट्स को बारे में बताएंगे, ह्यूमन सिचुएशंस के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कॉमिक फॉर्म के अंदर ट्रेजिक्स इवेंट को बयान करेंगे, ना पता चले ना कुछ और। अब वेटिंग फॉर गॉडो, इसके टाइटल से आपको क्या लगता है, जो सैमुअल बेकेट ने लिखा है, गॉडो का मतलब जो है, हम यहाँ पर गॉड भी तो ले सकते हैं और कितने लोगों ने लिया भी है गॉड, कि जी ये आप अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर के ऊपर पूरी ये बैटरी है कि जी उस वक्त जितनी भी तबाहियां हुई, डिस्ट्रक्शन हुई और कितने लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए और इमोशनल लेवल के ऊपर और फाइनेंशली कितना नुकसान हुआ, सही है, उस वक्त के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि जी वेटिंग फॉर गॉडो, यानी कि हम गॉड का वेट कर रहे हैं। और इसके ऊपर इसने पूरा ये प्ले लिख दिया, टू एक्ट्स प्ले है ये और इतना एब्सर्ड प्ले है ये, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी उसके अंदर यही है कि वो हमें नहीं पता चलता पूरे प्ले के अंदर कि गॉडो है कौन, कोई इंसान है, कोई क्या है, एलियन है या कोई सुपरनैचुरल चीज़ है, क्या है ये,
हमें नहीं पता चलता। और जब इनसे पूछा गया था ना सेवन पैकेट से, तो वो कहते हैं मैंने तो लिख दिया गॉडो, अब आप जो मर्जी समझो कौन है ये। सही है, तो क्या मतलब एब्सर्ड है, इसीलिए इसको एब्सर्ड थिएटर के अंदर फॉल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एज अ स्टाइल इट प्राइमरली रिलेट्स टू अ वेस्टर्न प्ले राइट बेस्ड स्टाइल ऑफ थिएटर एंड अ ग्रुप ऑफ प्लेज प्राइमरली रिटन इन द मिड 20th सेंचुरी बाई यूरोपियन प्ले राइट विच एक्सप्लोर्स वट हैपन वेन एग्जिस्टेंस हैज़ नो मीनिंग और पर्पज एंड देयर फॉर ऑल कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन। अब इसका स्टाइल क्या है, इरेलीवेंट स्टाइल है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, नो पर्पज़ नो मीनिंग, कोई प्लॉट नहीं हम लोगों का, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके अंदर क्या वो कह रहे हैं, वेस्टर्न प्ले राइट था उसके स्टाइल जो था ना थिएटर का, उसके ऊपर ये फॉल कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है कि जी जब एग्जिस्टेंस ऑफ मीनिंग एग्जिस्टेंस हैज़ नो मीनिंग, कि जी उसके कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है इसके ऊपर, और इस तरह करके इसका स्टाइल इस जो एब्सर्ड लिटरेचर है ना उसका। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि एब्सर्ड हीरो क्या है, एब्सर्ड हीरो हम लोगों को कैसा मिलेगा। द एब्सर्ड हीरो एम्ब्रेसेस द स्ट्रगल्स एंड द कंट्राडिक्शन ऑफ लिविंग विदाउट पर्पस। हम लोग लिटरेचर के अंदर देखेंगे कि जो हम लोगों को एब्सर्ड हीरो मिलेगा ना, हम लोग लिटरेचर के अंदर हम लोगों का जो होगा हीरो वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानियों का शिकार होगा और स्ट्रगल चल रही होगी काफ़ी ज़्यादा, और कोई उसका लाइफ का पर्पज़ नहीं होगा, और बस उसके चाहे सुबह हो शाम हो बस वो चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और कोई उसका एम नहीं उसने सेट किया हुआ इसके अंदर। ठीक है, अब कैमियस क्या कहते हैं इसके बारे में, कैमियस डिफाइन द एब्सर्ड हीरोज़ एब्सोल्यूट डेडिकेशन ऑफ लाइफ थ्रू दिस फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट डैट बिकॉज देर इज़ नो ट्रूथ आर कोहेरेंस इन द यूनिवर्स द एब्सर्ड मैन कैन नॉट होल्ड वैल्यूज़। अब ये किसके ऊपर बात करें, मॉडर्न मैन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आजकल का इंसान कैसा है और इसलिए एब्सर्ड हीरो ऐसा है। ठीक है, वट इज़ एब्सर्ड प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। Absurd drama is a subgenre of drama that focuses on the absurdity of human existence. Absurdism in simple words mean efforts of human beings to find the center or in other words the meaning of his life. So yeah, and his failure in doing so due to the limits of humanity. जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि एब्सर्डिज्म है क्या, पहले तो मैंने जॉनरा का बताया, उसके बाद फिर आ गए उसके एब्सर्डिज्म का सिंपल मीनिंग के अंदर, वर्ड्स के अंदर वो बता रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। सही है, अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे हमारे पास आ जाएगा कि क्या ह्यूमन लाइफ एब्सर्ड है या नहीं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इन कंक्लूजन ह्यूमन लाइफ इज़ नेचुरली एब्सर्ड ये कहा जाता है। क्योंकि अब अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें, देखें ड्यू टू इट्स बीइंग करेक्टराइज्ड बाय सफरिंग भी है, डेथ ये भी है, एंड एन अब्सेंस ऑफ मीनिंग, यानी कि कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का, ये एब्सर्डिस्ट कहते हैं। और यही चीज़ इसके अंदर भी बताई हुई है, क्या आप ह्यूमन लाइफ एब्सर्ड है या नहीं, या आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या ह्यूमन लाइफ एब्सर्ड है या नहीं। क्योंकि अगर हम लोग देखें ना, वो क्या कह रहा है कि जी ह्यूमन लाइफ नेचुरली जो है एब्सर्ड है। क्यों, एक इंसान है, किसी भी इंसान को आप देखेंगे उसकी लाइफ में सफरिंग भी होगी, उसने मरना भी है, और ये भी कह रहे हैं कि जी उसकी लाइफ का कोई मीनिंग भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ मीनिंग। तो क्या कहते हैं, हाउ एवर इट मे बिकम अदरवाइज एज वन मैन स्टैम्प मीनिंग ऑन टू लाइफ थ्रू कंपैशन एंड स्ट्राइविंग फॉर सुपरमैन स्टेटस। अब हर किसी को क्या है, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है किसी से, मॉडर्न मैन को आप देख लें, हर किसी को स्टेटस चाहिए, सुपीरियर बनना है, हर किसी को सुपीरियर बनना है, कंपैशनेट लाइफ तो है ही नहीं है आजकल के। किसी को आपने देखेंगे कि भी कोई किसी का वो समझ रहा है, हमदर्द है किसी का, आजकल के मॉडर्न मैन की आप खुद एग्जांपल देख सकते हैं, और ये उसी के ऊपर सारी बातें हुई हैं मॉडर्न मैन के ऊपर। डूइंग सो इनेबल्स एंड मे प्रोवाइड हैप्पीनेस। बहरहाल आगे चलते हैं,
What is absurd art? Absurdity in an art shows an inverted and contradictory version of reality that juxtaposes multiple realities in order to invite people to look at life differently. यानी कि एब्जर्ड आर्ट क्या है कि ये जी आप इसके थ्रू आप अपनी लाइफ को जी डिफरेंट थ्रोस पे देख सकते हैं, यानी कि आप के दिमाग में ऐसी चीज़ें इन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि आप खुद भी लाइफ को ऐसे ही देखने लग जाते हैं। कितने लोग जो हैं एथीस्ट बन जाते हैं इसी के अंदर। एब्जर्डिज्म इज़ द बिलीव दैट अ सर्च फॉर मीनिंग इज़ इनहेरेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एक्चुअल लैक ऑफ मीनिंग बट द वन शुड बोथ एक्सेप्ट दिस एंड सिमल्टेनियसली रेवल अगेंस्ट इट बाय एम्ब्रेसिंग व्हाट लाइफ हैज़ टू ऑफर। सही है। अब हिस्ट्री क्या है इसकी एब्जर्ड थिएटर की? वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है लेकिन यहाँ बाकायदा सेंटेंस फॉर्म में डेट्स भी हैं। तो क्या द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज़ ए टर्म कॉइन्ड बाय द क्रिटिक मार्टिन एस्लिन फॉर द वर्क ऑफ ए नंबर ऑफ प्ले राइट्स मोस्टली रिटन इन द 1950s एंड 1960s। अब आप ये एरा देखें एब्सर्डिज्म का और वर्ल्ड वार की डेट्स देखें, वर्ल्ड वार के बाद के पीरियड्स हैं ये सारे। अच्छा, द टर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन एसे बाय द फ्रेंच फिलोसोफर एल्बर्ट कैमस। एल्बर्ट कैमस कौन थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये फादर थे। अच्छा, कैम्यूज आइडिया ऑफ आर्ट, फादर किसके थे? अल्बर्ट कैम्यूज, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या आर्ट का आइडिया क्या था? ये क्या कहते हैं कि कैम्यूज की जो थीरी है, थीरी ऑफ द वैल्यू ऑफ आर्ट इज़ बेस्ड ऑन हिज लॉजिक ऑफ द एब्सर्ड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या है, द आइडिया डैट द ह्यूमन कंडीशन इज़ एब्सर्ड एंड डैट वी देयरफॉर आउट टू अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ रिवॉल्ट। सही है। इनका क्या आइडिया था? ये इनका आइडिया था। अच्छा, आगे चलते हैं। हु बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड? चलो जी देखते हैं। इन द थिएटर द वर्ड एब्सर्डिज्म इज ऑफन यूज मोर स्पेसिफिकली टू रेफर टू प्राइमरली यूरोपियन ड्रामा रिटन इन द 1950s एंड द 1960s बाय द राइटर्स इंक्लूडिंग। यानी कि इस इरा के अंदर 1950 से 1960 के अंदर कौन कौन से राइटर हम लोगों को मिलते हैं जो एब्सर्ड थिएटर के अंदर फॉल करते हैं? सबसे पहले आ जाएंगे सैमुअल बेकेट, यूजिन नेस्को, जॉन वेनेट एंड हार्लोट पिंटर। इनके पहले भी मैंने आपको नाम बताए थे। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑफन ग्रुप टुगेदर एज अ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एज अ फ्रेज कॉइन्ड बाय द क्रिटिक मार्टिन एस्लिन। यानी कि ये जो एब्सर्ड है और एब्सर्डिज्म है, ये फ्रेज किसने, कौन से क्रिटिक ने कॉइन की थी? मार्टिन एस्लिन ने। ठीक है। आगे इसकी आ जाएंगी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, कि एब्सर्ड ड्रामा के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होती कौन कौन सी हैं, इनके थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक प्ले को, एक नावल को, कि आया कि वो एब्सर्ड थिएटर के अंदर फॉल करता है कि नहीं। अच्छा, अब कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? वो क्या करते हैं, क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रस्ट इन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज उनको कोई हम लोग को एक कंप्लीट वो नहीं मिलती लैंग्वेज के अंदर, जो फ्लुएंट वे में चल रही होती है ना स्मूथली, वो चीज़ हम लोगों को लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलती इसकी। अब आप अगर देखेंगे वेटिंग फॉर गॉडो लिटरेचर के अंदर जब पढ़ेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे उसकी लैंग्वेज, आपको उसके अंदर ब्रेक्स मिलेंगी काफ़ी, कोई आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज डिसलोकेटेड होगी, क्लिचेज होंगे बीच में, रेपिटेशन होगी बीच में, उसके बाद इलॉजिकल स्पीचेस होंगे बीच में, मीनिंगलेस प्लॉट्स होंगे बीच में, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेंस कम्युनियन विद यूनिवर्स, वही यूनिवर्स यहाँ पर गॉड को रेफर कर रहा है, एम्फसाइज ऑन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज ऑफ लाइफ, उसके बाद वेगनेस अबाउट टाइम प्लेस एंड कैरेक्टर, कोई हम लोगों के पास टाइम नहीं पता होगा हमें, कोई जगह कब नहीं पता होगा, कौन सी जगह है, कौन सा वक्त चल रहा है, सुबह है शाम है, कैरेक्टर्स को खुद नहीं पता होता कि सुबह है कि शाम है, मतलब बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है। इसके लिए मैं आप लोगों को यही रेफ़र करूँगी, वेटिंग फॉर गॉडो पढ़ें, उससे आपको पता चलेगा एग्जैक्ट मीनिंग के एब्सर्ड होता क्या है। सही है। उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी, कोई हम लोगों को कम्युनिकेशन से भी नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है, बहुत कम बातें हो रही होंगी। डार्क कॉमेडी होगी उसके अंदर, मतलब हम लोग बेसिकली एक इंसान सफ़र कर रहा होगा और उसके ऊपर आप हंस रहे होगे, तो ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको एक इंसान प्रॉब्लम से गुजर रहा है और आप उसके ऊपर हंस रहे हो,
इस तरीके से इन लोगों ने हार्श फैक्ट्स को बयान किया राइटर्स ने, एब्जर्ड राइटर्स ने, एब्जर्डिस्ट ने। अच्छा, आयरनिक एंडिंग होगी इसकी और पॉइंटलेसनेस होगी इसके अंदर, ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएंगी। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक्चुअल ड्रामा क्या होता है और एब्जर्ड ड्रामा क्या होता है। एक्चुअल ड्रामा जो हम लोगों का होता है, उसके अंदर हम लोगों के पास क्या क्या होता है, बिगनिंग होती है उसकी, मिडल होता है और परफेक्ट एंडिंग होती है उसकी। प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन होता है पहले तो, ठीक है, उसके बाद क्लियर इमेजेस होते हैं, सिचुएशन हम लोगों को बताई भी होती है उन लोगों ने कि जी यहाँ पर इस जगह के ऊपर ये ब्रिज है या ये सड़क चल रही है या ये शहर है। बकायदा आप जब नॉवल्स और प्लेस पढ़ते हैं तो आपको बकायदा सेटिंग बताई हुई होती है सारी, ठीक है। कंप्लीट स्टोरी होती है, इंटेलेक्चुअल थॉट्स होती हैं, प्रॉपर मॉरल लेसन मिलता है, नैरेटिव फॉर्म उसकी अच्छी होती है, क्लीन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। और अगर हम लोग एब्जर्ड ड्रामा के अंदर देखेंगे, उसके अंदर क्या हमें मिलेगा, लेक ऑफ प्लॉट मिलेगा, कंफ्यूज्ड करेक्टर्स मिलेंगे, एब्जर्ड डायलॉग्स मिलेंगे, मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस मिलेगा, नो एंडिंग, नो क्लियर स्टार्ट, इररिलेवेंट स्ट्रक्चर, पजल डायलॉग्स, नॉनसेंस लैंग्वेज, एब्जर्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड एंडिंग, कॉमिक ट्रेजिक सेंस, सम प्लेसेस एंड टाइम अनएक्सप्लेन्ड, जैसे मैंने बताया आपको, नथिंगनेस, एम्पटीनेस, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा एब्सर्ड ड्रामा के अंदर, कि ये सब कुछ मिलेगा उसके अंदर हम लोगों को। बहरहाल तो ये इसके अंदर हम लोगों का था एब्सर्ड ड्रामा, और ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन था एब्सर्ड थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, कि कहाँ से आया ये, क्या था, क्या इसके अंदर है, और एक एन ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं कि क्या कहते हैं लोग जी इसके बारे में, कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज़ नो मीनिंग एंड पर्पस, मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस लाइज नॉट इन जस्ट स्टेइंग अलाइव बट इन फाइंडिंग समथिंग टू लिव फॉर। यानी कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये जो एब्सर्डिस्ट है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर ये वो करते हैं जी, क्वेश्चन करते हैं कि कोई उनका मीनिंग नहीं है, कोई उनका पर्पस नहीं है। अब उनकी मिस्ट्री क्या है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, कि सिर्फ ज़िंदा नहीं रहना, हम लोगों ने मीनिंग्स तलाश करने हैं कि हम लोग ज़िंदा किस लिए हैं। कोई ना कोई एक पर्पस सेट कर लेते हैं जी, हम लोगों ने इसको हासिल करना है इस चीज़ को, और जब उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं फिर क्या, उससे वो नहीं करते, उससे अगली कोई एक और न्यू पर्पस सेट कर लेते हैं, अब हम लोगों को ये चाहिए। ये क्या है, ये डार्कनेस है, ये डार्कनेस दिखाता है हम लोगों को, रियलिटी दिखाता है एग्जिस्टेंस जो है इंसान की उसके ऊपर, कि वो फुल ऑफ सफरिंग है, डेंजर है, क्रुएलिटी है। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं हम लोग, वर्ल्ड वार के बाद की जो स्टोरी है ना सारी मॉडर्न सोसाइटी के बारे में ये बताता है सब कुछ, ठीक है। अब अगर आप देखें, आपके माइंड के अंदर खुद आएगा क्वेश्चन कि जो मॉडर्न मैन कैसा हो गया, ठीक है। मॉडर्न मैन को आप देखें, वो किस किस चीज़ का शिकार है, आइसोलेशन का, एम्प्टीनेस का, उसकी लाइफ के अंदर आप टायर्ड देखेंगे उसको हर वक्त, और वो ऑल टाइम उसका मतलब यही होगा जी, एमलेस, पर्पस, कोई पर्पस नहीं उसकी लाइफ के अंदर। मॉडर्न मैन को आप खुद देख लें, क्या ऑन कर लेना मोबाइल और इसको स्क्रॉलिंग करते रहना बस, और कोई उसका पर्पस नहीं, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहना, कोई पर्पस नहीं, कोई एम नहीं उनकी लाइफ का। आजकल का मॉडर्न मैन ऐसा है, हेलो, ठीक है। अब ये क्या बेसिकली कहा जाता है कि जी थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। लोगों को बताया ही ये गया है कि जी रियल मीनिंग क्या है लाइफ का, लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी मीनिंग क्या है लाइफ का, उनकी डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाना है, उन्होंने क्या करना है, कुछ नहीं पता उनको। बस उनको ह्यूमन रेस का पता है, उनको कोई इमोशंस का नहीं पता, बस सुपीरियर बनने का पता है, और हॉलोनेस मिलेगी आपको हर जगह। ये मॉडर्न मैन के बारे में है, और यही थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है इसके बारे में भी है। इस लाइन को आप लिख लें और कोट भी कर सकते हैं कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। बेसिकली थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये है, एब्सर्डिज्म मिलेगा आपको हर जगह, सही है। मैं एब्सर्ड के ऊपर या थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ऊपर या एब्सर्डिज्म के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको ये लगता है कि कम है मटेरियल। वैसे तो मैंने इकट्ठा किया काफ़ी, लेकिन अगर और चाहिए हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा,
मैं एक और वीडियो प्रिपेयर करके डिफरेंट मटेरियल इकट्ठा करके आपको और मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आज के लिए वीडियो यहीं तक ही, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।